इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.4 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ 8 माइनस 8 27 माइनस 27 एंड 64। हमने इन सब के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। जिस तरीके से हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड किए थे उसी तरीके से हम इन सब के क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम पहला पार्ट ले लेते हैं 8, जिसमें हमने 8 के क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। बिल्कुल उसी तरीके से कि हम लेट कर लेते हैं, लेट x इज क्यूब रूट ऑफ 8। इफ x इज क्यूब रूट ऑफ 8, इट मींस दैट x इज इक्वल टू 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 8। इसको क्यूब रूट भी हम बोलते हैं, और इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, x इज इक्वल टू 8 रेज टू पावर 1/3, और इस तरीके से भी ये लिखा जा सकता है, x रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। अब हम 8 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा x रेज टू पावर 3 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। x रेज टू पावर 3 माइनस 8, दिस विल बिकम x रेज टू पावर 3 माइनस 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 की पावर 3 जो है वो 8 के इक्वल होती है। अब सिंपली हमने बेसिक अलजेब्रा से एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला हमारे पास होता है a रेज टू पावर 3 माइनस b रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू a माइनस b इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इस फॉर्मूला के जरिए हमने इसको सॉल्व करना है। जब हम इस फॉर्मूला के जरिए इस x रेज टू पावर 3 माइनस 2 रेज टू पावर 3 को ओपन करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपली इस फॉर्मूला के जरिए मैंने इसको ओपन करके लिख दिया। अब हमारे पास दो ऑप्शंस आ गई, इधर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है तब हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई कि x इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि जब भी हम किसी रियल नंबर के क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे तो उनमें से एक जो है वो रियल नंबर आएगा और दो इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। क्योंकि कॉम्प्लेक्स आएंगे तो इसको हम बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही सॉल्व करेंगे। जब हम इस इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाए x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 स्क्वेयर रूट होल डिवाइडेड बाय
2। जब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे और सिंपलीफाई हम इसको इस तरीके से करेंगे कि हम इसको किसी भी फॉर्म में लेके आए, ओमेगा की फॉर्म में या ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में। इसको सिंपलीफाई करने के लिए ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू प्लस माइनस फोर माइनस सिक्सटीन, दैट विल बी माइनस ट्वेल्व स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय टू। और फ्रॉम हेयर हम यहां पे आ जाएंगे, एक्स विल बिकम, यहां पे अगर हम इसमें से माइनस टू को कॉमन ले लें, दैट दिस विल बिकम माइनस फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री स्क्वायर रूट एंड फोर स्क्वायर रूट इज टू, तो पीछे माइनस थ्री स्क्वायर रूट बच जाएगा। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा माइनस टू प्लस माइनस टू इंटू माइनस थ्री स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय टू। यहां पे अगर मैं टू को कॉमन ले लूं तो ये मेरे पास बन जाएगा टू इंटू माइनस वन प्लस माइनस माइनस थ्री स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय टू। अब ये जो हमारे पास है माइनस वन प्लस माइनस थ्री स्क्वायर रूट बाय टू, ये हमारे पास ओमेगा है, एंड माइनस वन माइनस माइनस थ्री स्क्वायर रूट बाय टू, ये हमारे पास ओमेगा स्क्वायर है। सो एक्स की हमारे पास यहां पे दो वैल्यूज आ गई, एक्स इज इक्वल टू टू ओमेगा एंड एक्स इज इक्वल टू टू ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट्स ऑफ एट हमारे पास तीन आए, दैट आर टू टू ओमेगा एंड टू ओमेगा स्क्वायर। हम किसी भी नंबर के जो क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनको इस फॉर्म में लेके आए, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में, जो कि हमने इस पार्ट में किया। सिमिलरली आप माइनस एट के लिए, 27 के लिए, माइनस 27 के लिए और 64 के लिए करेंगे। कुछ भी नहीं, सिंपली एक फॉर्मूला यूज होता है, वो फॉर्मूला यूज करना है, उसको ओपन करना है, वहां पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करना है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करने के बाद सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई इस तरीके से करना है कि आप उसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में लेके आए। आप इसी मेथड के जरिए इन सारे जो पार्ट्स हैं उनको आसानी से कर सकते हैं, ये बिल्कुल इजी है। देन इज द क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू इज द इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर टू में जितने भी पार्ट दिए गए हैं उनको हमने एवेलुएट करना है। एवेलुएट मीन्स दैट के वो हमारे पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की फॉर्म में है, यानी कि वो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की फॉर्म में है, उनकी कोई भी पावर हो सकती है। उनको हमने सिंप्लीफाई करके किसी रियल नंबर की फॉर्म में लेके आना है। उसमें जो हमारे पास पहला पार्ट है दैट इज वन प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर एट। इसमें हम वो प्रॉपर्टीज यूज करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर्स में स्टडी की। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसमें यूज होंगी। उनमें से पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी that sum of all the cube roots of unity is zero, that is 1 plus omega plus omega square is equal to zero। और दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास थी वो थी कि product of all the cube roots of unity is 1, that is omega cube
इज इक्वल टू 1। इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम इनको सिंपलीफाई करेंगे। अब हमने इसको सिंपलीफाई करना है। इसको सिंपलीफाई करने के लिए अब आप यहां से देखें कि 1 प्लस ओमेगा जो है उसको आप किस और फॉर्म में लिख सकते हैं। यहां पे देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट कि 1 प्लस ओमेगा जो है वो हमारे पास हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। सो इस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा की जगह पे मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। सो दिस विल बिकम माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 8। ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 8। अब हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, दैट इज माइनस 2 रेज टू पावर 8 एंड ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 8। अब माइनस 2 रेज टू पावर 8 दैट इज माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2। 8 टाइम्स माइनस 2 को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 256 इंटू, ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा रेज टू पावर 16। अब ओमेगा रेज टू पावर 16 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज 256 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा रेज टू पावर 15। हम चाहते हैं कि इसमें से हम ओमेगा की जो पावर है वो कम करते जाएं, मिनिमम 1 तक ले आए या 2 तक, इससे ज्यादा हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमने इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो दिस विल बिकम 256 ओमेगा इंटू ओमेगा रेज टू पावर 15 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं ओमेगा रेज टू पावर 3 इंटू 5। तो ये हमारे पास हो जाएगा 256 ओमेगा इंटू ओमेगा रेज टू पावर 3 इज 1, 1 रेज टू पावर 5 एंड 1 रेज टू पावर 5 यू नो इज 1। सो द आंसर इज 256 ओमेगा। इस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल रेज टू पावर 8 की सिंपलीफाइड फॉर्म में हम उसको 256 ओमेगा ले आए। इसी तरीके से बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी हमने इसी तरीके से एवेलुएट करना है। एक पार्ट मैं और करता हूं। दैट इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज ओमेगा रेज टू पावर 28 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 29 प्लस 1, इसको हमने एवेलुएट करना है। अब आप थोड़ा सा सोचें कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें कि इसमें जो ओमेगा है उसकी जो पावर है वो रिड्यूस हो जाए, पावर रिड्यूस हो जाए कि ओमेगा क्यूब तो हमारे पास 1 है। हम ये करें कि इसको किसी ऐसे तरीके से सेपरेट करें इन दोनों को कि उनमें से वो ओमेगा क्यूब की पावर में आ जाएं ताकि वो सेपरेट होके 1 बन सके। अब ओमेगा रेज टू पावर 28 इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ओमेगा डॉट ओमेगा रेज टू पावर 27 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 29 जो है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा रेज टू पावर 27 प्लस 1। अब ओमेगा रेज टू पावर 27 जो है इसको हम
लेके आ सकते हैं ओमेगा रेज टू पावर 3 की किसी पावर में, जैसे कि अब ओमेगा रेज टू पावर 27, ओमेगा रेज टू पावर 3 की 9th पावर जो होगी दैट विल बी ओमेगा रेज टू पावर 27, सिमिलरली प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा क्यूब्स पावर 9 प्लस 1। अब ओमेगा रेज टू पावर 3 हमारे पास 1 है, सो 1 रेज टू पावर 9 विल आल्सो बिकम 1 एंड दिस होल टर्म, दिस टर्म विल बिकम 1 एंड दिस टर्म विल बिकम 1। तो यहां पे हमारे पास ओमेगा बच जाएगा और यहां पे हमारे पास ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा प्लस 1। और हमें क्यूब रूट्स की प्रॉपर्टी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज से पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो दिस इज इक्वल टू 0। हमने इसको भी इवैल्यूएट कर लिया जिसका आंसर हमारे पास 0 आ गया। इसका पार्ट नंबर 3 जो है वो है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। इन इनमें आप इस तरह करें, इसमें आप 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, इसमें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें और दोनों को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें। सिंपल है, कुछ भी नहीं, जब आप सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आएगा 4। देन इज द पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 जो है उसमें थोड़ा सा उसने चेंज करके दिया हुआ है, उसमें है दैट इज -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट बाय 2 रेज टू पावर 7 प्लस -1 माइनस -3 स्क्वायर रूट बाय 2 होल रेज टू पावर 7। अब सिंपली यहां पे आपने ओमेगा को पुट कर देना है और यहां पे ओमेगा स्क्वायर को पुट कर देना है और उसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। ये पार्ट मैं आपको सॉल्व कर देता हूं। जब आप यहां पे पुट कर देंगे दिस विल बिकम ओमेगा रेज टू पावर 7 प्लस दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 7। अब ये आपके पास आ गया ओमेगा रेज टू पावर 7 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 14। अब हमने इसको ओमेगा की लोएस्ट पावर में लेके आना है। लोएस्ट पावर में लेके आने के लिए सबसे पहले हम इसको इस तरीके से सेपरेट करेंगे कि वो ओमेगा क्यूब की किसी पावर में आ जाए। अब ओमेगा रेज टू पावर 7 जो है उसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ओमेगा इनटू ओमेगा रेज टू पावर 6, क्योंकि ओमेगा रेज टू पावर 6 जो है वो ओमेगा रेज टू पावर 3 की पावर 2 में आ सकता है प्लस ओमेगा रेज टू पावर 14, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं ओमेगा रेज टू पावर 2 इनटू ओमेगा रेज टू पावर 12, एज ओमेगा रेज टू पावर 12 जो है वो ओमेगा रेज टू पावर 3 की किसी पावर में आ सकता है। सो दिस विल बिकम ओमेगा इनटू ओमेगा क्यूब स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इनटू ओमेगा क्यूब रेज टू पावर 4। अब ओमेगा क्यूब इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, सिमिलरली ओमेगा क्यूब इज 1, 1 रेज टू पावर 4 इज 1। ये टर्म भी हमारे पास 1 हो जाएगी, ये टर्म भी हमारे पास 1 हो जाएगी, तो पीछे क्या बचेगा, पीछे हमारे पास बच जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 1 से हमारे पास इक्वल होता है -1 के, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर डेफिनेटली इज इक्वल टू -1। देन पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से ही आपने सॉल्व करना है जिस तरीके से आपने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व किया।
छोटा सा एक ट्रिक है जिसमें अब ये देखें पार्ट नंबर 5 का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूं, सॉल्व आप खुद करेंगे. दैट इज पार्ट नंबर 5 इज 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट रेज टू पावर 5 प्लस माइनस 1 माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट रेज टू पावर 5. अब आप देखेंगे कि जी ओमेगा में तो हमारे पास यहां पे डिवाइड बाय 2 आना चाहिए और इसमें डिवाइड बाय 2 नहीं आ रहा, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट. जैसे कि हमें पता है कि अब माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट बाय 2 जो है वो हमारे पास ओमेगा के इक्वल होता है. सॉरी यहां पे माइनस है, तो माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट किसके इक्वल हो जाएगा, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. माइनस 1 प्लस माइनस 3 स्क्वायर रूट विल बिकम 2 ओमेगा. सिमिलरली ये हमारे पास माइनस 1 माइनस माइनस 3 स्क्वायर रूट विल बिकम 2 ओमेगा स्क्वायर. अब यहां पे आप वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे. जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपके पास जो आंसर है वो आएगा माइनस 32. कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपली आपने यहां पे 2 ओमेगा पुट कर देना है, यहां पे 2 ओमेगा स्क्वायर पुट कर देना है, देन उनको सॉल्व कर लेना है जिस तरीके से हमने बाकी सारे पार्ट्स को सॉल्व किया.